23 मार्च 1931 आज के दिन योद्धा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। सिटी न्यूज शहीदों को नमन करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अब आगे बढ़ने से पहले इस बुलेटिन की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सरायकेला के आदित्यपुर में मिले शव का हुआ शिनाख्त, संपत्ति विवाद में हुई थी हत्या। नामांकन की मांग को लेकर अभिभावकों के साथ बच्चे पहुंचे जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय की नारेबाजी। और सरायकेला जिला स्थित टायो कंपनी के बंद होने से कर्मचारी नाराज, जमशेदपुर डीएलसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। रुक करते हैं सरायकेला की ओर। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश उद्यान में हत्या कर बालू में गाड़े गए शव की पहचान पुलिस ने कर ली है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश उद्यान में खरकई नदी किनारे हत्या कर बालू में गाड़े गए शव की पहचान पुलिस ने 40 वर्षीय जयप्रकाश गुप्ता के रूप में की है, जो कि आदित्यपुर के सिटी पैलेस कॉलोनी के रहने वाले थे। मृतक की पत्नी और दो बेटियां हैं। इस बात की जानकारी पुलिस को तब हुई जब मृतक के परिजन थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराने आए, जिसके बाद शव की पहचान की गई। इधर हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि हत्याकांड का एक वजह संपत्ति विवाद भी हो सकता है। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मिली थी खरकई नदी के बीच बालू से ढका हुआ, तो आज उसकी पहचान हो गई है। डेड बॉडी का जिसका है उसका नाम लोग जयप्रकाश गुप्ता बोला, ऐसे घर वाले को भेजा गया है शीघ्र ही, जहां वो अपने पहचान करेंगे तब कंफर्म होगा। और इन लोग एक्चुअली सिटी प्लेस में कहीं पर किराए पर मकान में रहता है, आगे फिर पहचान होने पर इसके बाद कर रहे हैं। और 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को नजदीक के निजी स्कूलों में दाखिला मिले, इस मांग को लेकर जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व अभिभावकों ने किया। इसमें नरवेराम हंसराज स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की गई। बच्चों को लेकर उपायुक्त कार्यालय आए अभिभावक संघ का दावा है कि निजी स्कूलों के 6 किलोमीटर दायरे के बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा कहा जाता है कि यह दायरा 3 किलोमीटर का है और अभी इस पर अदालत में मामला लंबित है। इस पर अभिभावक संघ नाराज है और बच्चों के साथ आए संघ के नेता ने तो स्कूल में तोड़फोड़ तक की धमकी दे डाली। जिला प्रशासन हमारी मांग सुनो। झारखंड मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि निजी स्कूलों को अपने क्षेत्र से 6 किलोमीटर तक के बच्चों का एडमिशन आरक्षित सीटों पर लेना है, लेकिन कल नरवेराम स्कूल प्रबंधन द्वारा यह कहते हुए बच्चों का नामांकन लेने से मना कर दिया गया कि वे 3 किलोमीटर से बाहर के बच्चे हैं, और यह भी कहा गया कि इस पर स्टे है, जबकि स्कूल प्रबंधन अपने से नियम कानून किस तरह से चला रहा है। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय से मांग करने आया है कि इस पर वो एक साफ सुथरी निर्णय दें कि 3 किलोमीटर माना जाएगा या 6 किलोमीटर माना जाएगा। 3 किलोमीटर नहीं माना जाएगा, 6 किलोमीटर ही माना जाएगा, तो उनके तरफ से जो है सभी स्कूल प्रबंधन को आदेश देना होगा। और हम अगर स्कूल नहीं मानते हैं इस आदेश को, तो जमशेदपुर अभिभावक संघ मजबूर हो जाएगा स्कूल में तोड़फोड़ करने के लिए।
सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित टायो कंपनी के बंद होने से नाराज कर्मचारियों ने टायो संघर्ष समिति के बैनर तले उप समायुक्त कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कंपनी के नीतियों का जमकर विरोध किया। 5 महीने पहले ही कंपनी को बंद करने के फरमान के बाद से कंपनी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कंपनी के बंद होने से इन कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। टायो संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में कंपनी कर्मचारियों ने उप समायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया तथा कंपनी की नीतियों का विरोध जताया। कंपनी कर्मचारियों की माने तो जहां एक तरफ झारखंड सरकार मोमेंटम झारखंड आयोजित कर झारखंड में निवेशकों को आमंत्रित कर रही है, वहीं दूसरी ओर एक चालू कंपनी बंद होने जा रही है। यह सोचने वाली बात है कि क्या इस चालू कंपनी को ही लगातार चलाया नहीं जा सकता था। इनके द्वारा कंपनी के वर्तमान यूनियन का भी विरोध जताया गया। इनका कहना है कि वर्तमान यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के पास बहुमत नहीं है, उसके बावजूद वे अध्यक्ष के पद पर हैं, जिसका कंपनी के कर्मचारी विरोध करते हैं। हम लोग का कंपनी 6 महीना से वेतन नहीं दे रहा है, और जबकि डीएलसी के द्वारा वेतन देने के लिए इनको बोला गया है, और जो स्कीम लिया है उनको वेतन दिया है 5 महीना का, और हम लोग को नहीं दिया है। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं हम लोग को वेतन दे, जबकि सरकार के द्वारा बंद किया गया नहीं है, फिर भी वेतन नहीं दे रहा है। हम लोग को 6 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, साथ में 2016 का 2015 का भी बोनस नहीं मिला है। जो स्कीम ले रहे हैं उनको पैसा दिया जा रहा है, हम लोग को अपना बच्चा का फीस देना है, खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। और कंपनी जबकि राज्य सरकार के द्वारा उसका क्लोजर को खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, फिर भी कंपनी इसका पैसा हम लोग उनको नहीं दे रहा है। बहुत तकलीफ से हम लोग का समय को बीत रहा है। मांग तो सबसे पहले पेमेंट है, और दूसरा मांग ये है कि राघवेंद्र पांडे जी हमारे अध्यक्ष, जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके पास संख्या का अभाव है, फिर भी किस ओहदे से वो हमारे अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए हैं ये हम लोग को मालूम नहीं चल पा रहे हैं। जमशेदपुर में राजकॉम चिटफंड घोटाला के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फिर एक बार एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि जिन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए वे बाहर आराम से घूम रहे हैं। इनके लाखों रुपए चिटफंड में डूब गए, जिनके चलते रुपए डूबे उन्हें सजा दिलाने के लिए उनका आंदोलन तेज हो गया है, इसलिए लोगों ने एसएसपी कार्यालय में आकर प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इनकी गाढ़ी कमाई चिटफंड में चली गई, इन्हें अदालत और पुलिस से ही उम्मीद है। ये चाहते हैं कि इन दोनों स्तंभों के प्रभाव से इनकी जिंदगी भर की कमाई इन्हें हासिल हो जाए। क्या मामला क्या है सर? 1200 करोड़ वाला जादू घोटाला, राजकोम चिटफंड घोटाला को लेकर, उस पर जो है दीपक कुमार सिंह और अन्य जो भी एजेंट है उनका स्टे ऑर्डर थी जो समाप्त हो गई, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग वीरिया पदाधिकारी को जानकारी देने आए। किसी की गिरफ्तारी हुआ है इस मामला में? इस मामला में कमल कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई। अभी दीपक कुमार सिंह और जितने भी एजेंट हैं, 22 एजेंट के नाम से जो FIR नेम्ड FIR है, उन सबों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। किस थाना में FIR दर्ज है? ये जादूगोड़ा थाना से लेके घाटशिला थाना, जमशेदपुर के परसुडी थाना, सुंदरनगर थाना में ये मामला दर्ज। हम लोगों का पैसा लेके फरार हो गया। कैसे कैसे पैसा लिया था आप लोग का? वो बोला कि 1 लाख में हम 5000 करके देंगे महीना। कुछ दिन तो ठीक है पैसा दिया, उसके बाद वो फरार हो गया। कितना पैसा आपके लेके भागा है? मेरा तो 6 लाख रुपए लेके भागा है। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग जादूगोड़ा में रहते हैं। अभी तक कुछ मिला पैसा? कुछ नहीं मिला हमें, बहुत परेशानी है। हम लोग को लोन उठा के दिए हैं, ससुर का पैसा है, इस तरह से दिए हैं, लालच हम लोग उनको दिखा के लेके भाग गए। किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आपने? दीपक सिंह, दीपक सिंह जादूगोड़ा का रहने वाला। अभी कहाँ कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। जमशेदपुर के मदरसा बागे आयशा में सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय में बच्चों ने प्रदर्शन किया। बच्चों को साथ लेकर आए मौलाना का कहना है कि मदरसा में अभी तक कोई भी सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है। ये बच्चे मांगो के आजाद बस्ती के मदरसा बागे आयशा से आए हैं। ये कहते हैं कि मदरसा जहाँ है उसके ठीक सामने नाला है, और बारिश में नाला का पानी उनके क्लासरूम में घुस जाता है। क्लासरूम भी कच्चे हैं और बारिश में उससे भी पानी टपकता है। ऐसे में उन्हें जरूरत सरकारी मदद की है। बच्चों ने अपनी मांगों को उपायुक्त के प्रतिनिधि के पास रखा और गुजारिश की कि उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। मेरा भाई है। इसी ऑफिस आए हैं डीसी से मिलने के लिए। हम सरकार तक अपनी खबर पहुंचाना चाहते हैं कि 2002 से बागे आयशा नाम का मदरसा आज़ाद बस्ती में ईदगाह मैदान के पास चल रहा है, किराए के मकान में, कच्चे मकान में।
और तालीम यहाँ बहुत अच्छी है, यहाँ शिक्षा भी दी जाती है और हाथ का हुनर भी बच्चों को सिखाया जाता है। इस वजह से अभी लड़कियों की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो इस तरीके से हम लोग कब तक चलाते रहेंगे मदरसा। संस्था है, ये बड़ी संस्था है, बच्चियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मांग क्या करना है? मांग ये करने आए हैं कि सरकार की तरफ से संस्था को जो सहूलत दी जाती है संस्था चलाने वालों को, वो हमें दी जाए। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शन प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट पेश करते हैं एमिरेट्स अपार्टमेंट, आपके ख्वाबों का आशियाना अब आपके पास। 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट सभी सुविधाओं से युक्त, CNT एक्ट से मुक्त, किफायती दामों पर, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, लिफ्ट की सुविधा, कार पार्किंग, इजी फाइनेंस की सुविधा और मेन रोड के नजदीक। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर एमिरेट्स अपार्टमेंट में। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट, या कॉल करें 9931117780 या 9771487336 पर। आप अपनी बालकनी से अद्भुत एवं मनमोहक नज़ारे देख सकते हैं। घर का डिजाइन वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट। साइट एड्रेस, हाजी साहेब पेट्रोल पंप के नजदीक, रोड नंबर 14, मानगो, जवाहर नगर। आर ऑफिस एड्रेस, मित्तल निवास, गोविंद नगर, ऑपोजिट 12 KG फ्लैट, कदमा, जमशेदपुर, 831005। मोबाइल नंबर 9931117780 एंड 9771487336। लैंडलाइन नंबर 0657230013। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मूठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। एस्पायर क्लासेस। एस्पायर क्लासेस इज अ डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल एरेना ऑफ जमशेदपुर, which facilitates education platform for the students of CBSE, ICSE, JAC and NIOS. An institution where experienced faculties coach the students in the spiritual environment. This institute is the institution of the students, by the students and for the students. Parents are also the partners of the institution, who help us in achieving the goal by being conscious at home. Our objective is to produce best students in the academic as well as cultural and spiritual field. The institute also imparts coaching for the competitive exams like railways, SSC, banking and other government and
private sectors. The institute conducts special classes for NTTF, apprentices, polytechnic, ITI and diploma past candidates. Aspire Classes, holding number 1, Chandinagar near MGM Hospital, Sakchi Jamshedpur. Phone 2231212. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात जमशेदपुर की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गुरुद्वारा के चुनाव को असंवैधानिक बताते हुए पुनः चुनाव कराने की मांग को लेकर पूर्व प्रधान ने सीजीपी से मुलाकात की। साक्षी स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यालय बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने सीजीपीसी के प्रधान इंद्रजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा व बिष्टुपुर गुरुद्वारा का चुनाव पूर्ण रूप से असंवैधानिक करार दिया और दोबारा चुनाव की मांग ज्ञापन के माध्यम से की। बिष्टुपुर गुरुद्वारा का चुनाव का समय पूरा हो गया। अपने कार्यकाल में भी गुरविंदर सिंह मौजूदा प्रधान हैं, उन्होंने कमेटी को बिना सूचना दिए, बिना जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए, बिना ही नोटिस बोर्ड में कुछ किया और हम लोग भी कमेटी में हैं। मैं सबका प्रधान एक्स प्रेसिडेंट हूँ। आनंद फानन में 15 तारीख को हमें मालूम चला कि पेपर के माध्यम से इन्होंने 7-8 मेंबर मिलकर इन्होंने चुनाव करा लिया और हमें जबकि मालूम नहीं चले। जबकि गुरुद्वारा विधान में नियम है कि पहले इन लोगों को नोटिस बोर्ड में लगाना है, जनरल बॉडी मीटिंग करनी, अकाउंट पास करा। ना इन्होंने अकाउंट पास कराया है, ना ही इन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है, ना ही कोई रिसीविंग लेटर दिया। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री माननीय इंद्रजीत सिंह के पास ज्ञापन लेकर पहुँचे हैं कि वो बिष्टुपुर गुरुद्वारा का जो चुनाव है वो पूरी तरह से अवैध है और सिख संगत पूरी नाराज है और बहुत ही रोष है। गुरु घर के मर्यादा ने उन्होंने तार तार कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने अधीन बिष्टुपुर गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कराए। मारवाड़ी युवा मंच ने जमशेदपुर के साक्षी अग्रसेन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 150 लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। रक्तदान का मकसद वैसे जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध कराना है जिनकी मदद में कोई खड़ा नहीं होता है, इसलिए यह आयोजन साक्षी में मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से किया गया। पिछले 12 सालों से मंच रक्तदान शिविर आयोजित कर समाज में सेवा की अपनी भागीदारी निभा रहा है। इस शिविर में 150 लोगों के रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था। हर ब्लड ग्रुप के लोगों ने अपने रक्त को दान किया। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप अग्रसेन भवन साक्षी में चल रहा है और हम लगातार पिछले 12 वर्ष से हर साल 3 कैंप हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें हमारा मकसद ये रहता है कि जो भी ज़रूरतमंद है उसको हम लोग ब्लड उपलब्ध कराएं, प्लस लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि हर आदमी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जो आदमी सक्षम है उनको ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए। 18 साल की उम्र के जो भी हैं व्यक्ति वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं और ब्लड की आवश्यकता हमें दिनों दिन बढ़ते जा रही है, तो ब्लड डोनेशन एक बहुत ही बढ़िया काम है, इसके हर किसी को करना चाहिए। लक्ष्य कितना हम लोगों का? लक्ष्य हम लोग 150 यूनिट से ऊपर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। नमन संस्था द्वारा 23 मार्च को शहीद सम्मान और शहीद अखंड यात्रा का आयोजन जमशेदपुर एग्रीको ट्रांसपोर्ट नगर मैदान से किया जाएगा। इस संबंध में आयोजकों ने जानकारी दी। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, लेफ्टिनेंट कर्नल बीके चतुर्वेदी एवं केंद्र सरकार के सूचना आयुक्त यशोवर्धन झा आजाद शामिल होंगे। संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने बताया कि इस अखंड यात्रा में सभी समुदाय के लोग शामिल होंगे। हमारा जो अखंड यात्रा सावीर सम्मान यात्रा है वो वहाँ से प्रारंभ होगी, एग्रीको मैदान से, ट्रांसपोर्ट मैदान से, और उसका भ्रमण रूट जो है वह घासदीप प्लाजा, आदि टाटा, कालीमाटी रोड, बसंत सिनेमा, बड़ा गोलचक्कर से दहीने मेडिकल लाइन होते हुए, सब्जी मंडी लाइन होते हुए, रामलीला मैदान होते हुए, बाराद्वारी, कासीडी, भालूबासा होते हुए पुनः पिछले वर्ष की भांति एग्रीको मैदान में इसका समापन हो जाएगा। मुझे लगता है लाखों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। जिस प्रकार से एक खासकर युवाओं में और जो मातृशक्ति के अंदर मैं देख रहा हूँ इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह है, लोग आ रहे हैं और कई संस्थान में अनगिनत ऐसे सभी, चाहे वह मंदिर कमेटी के लोग। जमशेदपुर के साक्षी कब्रिस्तान वेलफेयर कमेटी के द्वारा आधुनिक कॉफिन बॉक्स के रूप में शहरवासियों को नायाब तोहफा दिया गया है। अब लोगों को शव को सुरक्षित रखने को लेकर किसी बड़े अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेंगलुरु की एक कंपनी के द्वारा इस आधुनिक कॉफिन बॉक्स का निर्माण किया गया है।
जिसे साक्षी कब्रिस्तान वेलफेयर कमेटी ने 1,10,000 रुपए में खरीद कर शहरवासियों की सेवा के लिए रखा है। इस कॉफिन बॉक्स का टेम्परेचर -5 डिग्री तक है, जिसके अंदर मृत शरीर को लोग आराम से रख सकते हैं। यह बॉक्स चलंत की तरह है, जिसे लोग अपने घर पर भी ले जाकर रख सकते हैं। कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य रियाज शरीफ ने कहा कि प्रत्येक दिन इसका किराया मात्र 300 रुपए है। यह शहरवासियों के लिए सेवा की भावना से हम लोगों की एक छोटी सी पहल है, जिसे हर धर्म समुदाय के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग महसूस कर रहे थे जमशेदपुर के लोगों के लिए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है घर में तो फैमिली के लोग काफ़ी परेशान होते हैं। जैसे कभी 1 से 2 दिन के बाद उनका दाह संस्कार या मिट्टी करना हो तो उसको ले जाके मौन में रखना, तो उसके लिए डॉक्टर की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, लोगों को फिर गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक कॉफिन बॉक्स है जो मूवेबल है, जिसको आप अपने घर पर ले जाके रख सकते हैं। चार्जेबल 220 पावर से ये चलता है, और जो भी आपके परिवार का सदस्य जिसकी मृत्यु हो गई उसको आप इसमें आराम से रख सकते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। -5 डिग्री तक ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में एक सेवा के तौर पर साक्षी कब्रिस्तान वेलफेयर कमेटी की तरफ से इसको शुरू किया गया है। चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला के आदित्यपुर में मिले शव का हुआ शिनाख्त, संपत्ति विवाद में हुई थी हत्या। नामांकन की मांग को लेकर अभिभावकों के साथ बच्चे पहुंचे जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय की नारेबाजी। और सरायकेला जिला स्थित टायो कंपनी के बंद होने से कर्मचारी नाराज, जमशेदपुर डीएलसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।